आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर सीबीएसई अपने क्वेश्चंस को कहां से लेकर आता है क्लास 12th और क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो ये वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है, जहां पे हम लोग यार एकदम डीप एनालिसिस करेंगे और पता करेंगे कि एक्चुअल में सीबीएसई कहां से क्वेश्चंस आपको पूछेगा। तो जैसे कि आप सभी लोग की डिमांड आई थी कि भैया हमें बताएं कि सीबीएसई आखिर पेपर कहां से बनाता है, कहां से सीबीएसई सोचकर क्वेश्चंस को लेकर आता है, उसके बारे में आज आप बताइए जरूर। तो मैंने सोचा कि आखिरकार बता ही देता हूं आप लोगों की सीबीएसई कहां से क्वेश्चंस को लेकर आता है। पहली बात तो ये, मेरे कोई ताऊ जी सीबीएसई में काम नहीं करते जो मेरे को डायरेक्टली अगर बता रहे हैं कि क्वेश्चन इस साल कहां से आने वाले, बट हम यहां प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सीबीएसई ने आज तक जो एक तरीका था सीबीएसई का एकदम जेन्युइन वाला, जिसमें कि सीबीएसई ने एक्चुअल में क्वेश्चंस आप लोग को देते हुए आया, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे आज के इस पैटर्न के थ्रू। तो आप खुद से सोचने की कोशिश करिए कि अगर आप सीबीएसई होते तो सबसे पहली चीज कि आप कहां से क्वेश्चंस उठाते हैं। तो सीबीएसई के पास सोर्स जो है क्वेश्चंस को लेने के, वो है सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स ऐसी बुक्स है जो सीबीएसई ने अपने तरफ से लॉन्च करी है आप सभी लोगों के लिए और सारे सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल होती है, चाहे क्लास 10th के हो या क्लास 12th के।